हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी पराठा बनाना। जैसे कि मैंने आपको ने सहरी के व्लॉग में कहा था कि मैं आपको पराठा बनाना सिखाऊंगी, तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो ले आई हूँ। तो सबसे पहले आपने थोड़ा आटा लेना है, उसका एक भरा सा पेड़ा बना लेना है। जिस तरह हम नॉर्मली एक रोटी का पेड़ा बनाते हैं, उस तरीके से आपने दो रोटियों के पेड़े लेकर एक पराठे का पेड़ा बनाना है, अगर आप छोटे साइज़ की रोटी बनाते हो फिर। और उसके बाद आपने उसको नॉर्मली एक रोटी की तरह, भरी सी रोटी की तरह पतली सी रोटी बेल लेनी है, ठीक है। अभी हम इसका पेड़ा बना रहे हैं, ठीक है। इसको आपने पतला सा बिल्कुल ना जो है वो बेल लेना है, और बेलने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो आपने एक भरी सी रोटी बेलने के बाद आपने इसके अंदर घी लगाना है, और लंबी स्ट्रिप्स के तरह आपने छुरी की मदद से इसको काट लेना है, जिस तरह यहाँ पर मैं काट रही हूँ। कैमरा मैंने खुद पकड़ा हुआ था तो इसलिए थोड़ा सा हिल रहा है, तो आपने उसको इग्नोर करना है और बस पराठे पे फोकस करना है। उसके बाद आपने इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। सारी जो आपने स्ट्रिप्स कट की थी उनको आपने अच्छे तरीके से जो है वो फोल्ड करना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद जी ये पेड़ा तैयार होगा, बहुत ही मज़े का पराठा बनेगा बलो वाला। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से देखिए, आपने थोड़ा सा इन स्ट्रिप्स को थोड़ा हल्का सा जोड़ना, ज़्यादा नहीं, और इस तरीके से पेड़ा बनाना है जिस तरह मैं बना रही हूँ। आप उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि कैमरामैन मैं खुद ही थी और मुझे वीडियो भी शूट करनी थी आप सबके लिए। तो यहाँ पे देखें, ये इस तरह से जो मेरा पराठे का पेड़ है वो तैयार हो गया। आप सबने भी इस तरह ही करना है। उसके बाद इसके ऊपर ड्राई आटा लगाना है, जो खुशक आटा होता है ना वो लगाना है। थोड़ा सा आप डस्ट भी कर लीजिएगा नीचे, और यहाँ पे अब इसको बेलना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसकी प्रॉपर एक क्वांटिटी रखनी है, मतलब प्रॉपर बेलना है जितना एक पराठे को बेला जाता है। इसके आपने भरी सी रोटी नहीं बनानी, पतला नहीं करना इसको, ना तो ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। प्रॉपर इसको आपने एक पराठे की तरह बेल लेना है। इसकी जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए और सेंटर से भी इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं इसकी साइड चेंज कर के मैं इसको बेल रही हूँ, आपने भी सेम इसी तरीके से बेलेंगे तो आपकी जो साइड्स हैं वो भी एक जैसी रहेंगी और सेंटर से भी एक ही तरह का रहेगा। यहाँ पे आपने तवे को अच्छी तरीके से पहले गरम कर लेना है, उसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे पराठे को सेकना है। पराठे को हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पे सेकते हैं, वरना पराठा या तो जल जाता है और कभी कभार कच्चा भी रह जाता है। हमने ना कच्चा रखना ना ज़्यादा जलाना चाहिए। जब एक साइड से थोड़ा सा पक जाए इसके ऊपर आपने घी डालना है। अगर आप डाइट पर हो और अगर आप कह रहे हो कि रमज़ान में हमें डाइट करनी है, तो आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं नॉर्मली जो घी होता है वो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे पराठे पे घी लगाया और इसको थोड़ा सा आपने साइड से ब्राउन कर लेना है, और उसके ऊपर दूसरी साइड पे भी अच्छे तरीके से घी लगा के पराठे को लो फ्लेम पे आपने इसको जो है वो सेकना है। ज़्यादा तेज़ आंच में इसको आपने नहीं करना। तो यहाँ पे जो था ना मेरा ऑलमोस्ट पराठा, बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं, पूरा रेडी हो गया था मेरा पराठा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यही थी मेरी आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।